इट इज़ क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ केवीएसपीईटी फिर 2017। क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट, द फोटोन डज एमिटेड इरेड रेडिएट अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है, तो जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब वो एनर्जी क्या होगी? तो वो होगा डिफरेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों लेवल का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा। अब देखिए ये तो ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इक्वल टू कितना, 1, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो इसका मतलब ये कि वो थर्ड लेवल पर होगा, थर्ड स्टेट पर होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 3 से 1 पर हो रहा है। अब जो चेंज इन एनर्जी आएगा यानी कि डेल्टा ई, वो कितनी होगी? तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन में एन का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट स्टेट के लिए मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आप देख रहे हो तो ग्राउंड के लिए यहाँ पर -13.6 अपॉन 1 रहेगा यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, सॉरी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए देखोगे तो एन की वैल्यू 3 होगी, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी कि -13.6 अपॉन में 9। तो जब -13.6 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.51। अब हमें डिफरेंस इन एनर्जी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई हमें चाहिए। सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E3 - E1 यानी कि 1.51। अच्छा ये माइनस का है, 1.51 माइनस, फिर ये माइनस और -13.6, तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है इसकी एनर्जी कितनी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी मेटल प्लेट के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं, मतलब जो फोटोन निकला है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांजिशन हुआ, वहाँ से क्या निकला, फोटोन। तो इसी फोटोन को हम किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं और वो उस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी होगी इस फोटोन की, जो कि हमारी डेल्टा ई के बराबर है, वो दो जगह यूज हो रही होगी, एक तो वर्क फंक्शन करने में, दूसरा इसकी काइनेटिक एनर्जी को, जो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें। अब क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रॉन को जो निकला है इसको स्टॉप करना है तो हमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगा क्यू इंटू वी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी के। तो डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस, हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, ई वी, मतलब चार्ज मैंने लिया है ई, सो वी निकालना है हमें। वी कैन राइट ई वी विल बी इक्वल टू डेल्टा ई माइनस के डब्ल्यू नॉट। तो डेल्टा ई कितना है, 12.1 माइनस, वर्क फंक्शन कितना है इसका, 5.1, 5.1। तो 12.1 में से 5.1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए वी की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो पोटेंशियल जो होगा वो कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, 7 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में दो टॉपिक, दो अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट लगे हैं, एक तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो कि एटम चैप्टर से है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट लगा है और उसकी इक्वेशन हमने यूज़ करी है।